इसको पढ़ते समय एक शब्द बारंबार आपके मन में आएगा और वह है वोट बैंक। यह शब्द काफ़ी प्रचलन में चला है, प्रचलन में है। वोट बैंक क्या है, इसे हम यहाँ पर इस अध्याय के अध्ययन के पूर्ण होते होते हम समझ जाएंगे कि वोट बैंक क्या है जिसको लेकर इतनी राजनीति होती है। वैसे चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में मूलभूत नियम जो हैं, आधारभूत जो नियम हैं, वो तो लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं, पर वो आधारभूत नियम हैं। व्यवहार में इसको कैसे लागू किया जा सकता है, लागू किया जाता है, और व्यवहार में लागू करते करते में इसमें जो खामियां नज़र आती हैं या कुछ जो नट बोल्ट ढीले नज़र आते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पृष्ठभूमि को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने अध्ययन के केंद्र पर, और वह है लोकतंत्र में आवश्यकता। शुरू में एक सवाल पूछा गया था जो कुछ बिंदु थे कि लोकतंत्र और चुनाव के बीच संबंध कितना गहरा होता है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र हो सकता है और क्या लोकतंत्र के बिना चुनाव हो सकते हैं। इसका कुछ उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा। लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्या है? सच्चाई तो ये है कि लोकतंत्र की बुनियाद है, फाउंडेशन है चुनाव, लोकतंत्र का आधार है चुनाव। लोकतंत्र जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, लोक उसमें जुड़े हुए हैं, जनता जुड़ी हुई है, और जनता जब बहुत बड़ी संख्या में होती है तो वह स्वयं एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकती और बहुत सारी अन्य दिक्कतें आती हैं, तब वह चुनाव करती है। किनका? अपने प्रतिनिधियों का, अपने प्रतिनिधियों का। लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही जनता अपनी रुचि प्रकट करती है। प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता की रुचि के अनुसार होते हैं, जनता उसी को अपना प्रतिनिधि चुनती है या अपना मत देती है जो जनता की सोच के अनुसार कार्य करने की क्षमता रखता हो। तो लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा जनता अपने रुचि की अभिव्यक्ति करती है, रुचि प्रकट करती है, और मतदान या चुनाव वह तरीका है जिससे जनता को अपनी रुचि प्रकट करने का मौका मिलता है, जनता को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इसीलिए यह प्रक्रिया बहुत अहम है और बुनियादी प्रक्रिया है। चुनाव की प्रक्रिया बहुत बुनियादी है क्योंकि ये जनता को मौका देती है अपनी रुचि प्रकट करने का। चुनाव से ये निर्णय भी लिया जाता है कि सत्ता कौन चलाएगा। सत्ता के पहले एक कदम और रहता है, चुनाव में यह निर्णय लिया जाता है कि मेरा प्रतिनिधि कौन बनेगा, मेरा से अर्थात इस क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन बनेगा। और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, फिर उनमें से वह प्रतिनिधि जो एक दल के हों, एक विचारधारा के हों, यदि उनकी संख्या ज़्यादा है तो सत्ता उनकी चलेगी। तो दूसरे शब्दों में चुनाव से ये भी निर्णय होता है कि सत्ता कौन चलाएगा। चुनाव से जनता की रुचि दिखती है। दूसरा, चुनाव जो है वो जनता को अपनी बात करने का मौका देती है। तीसरा, चुनाव जो है वह ये बताती है कि सत्ता कौन चलाएगा। चौथा, चुनाव सरकार के निर्माण में मदद करता है, किस ढंग की सरकार होगी ये चुनाव से तय होता। एक लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ पर चुनाव आधारित सरकार सत्ता पे काबिज है।
मतदाता जो है वो चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, वही प्रतिनिधि फिर सरकार चलाते हैं, और फिर सरकार चलाते हुए वही लोग जनता के लिए कानून बनाते हैं, और जनता के लिए कानून जब जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं तो ये माना जाएगा कि इन कानूनों को जनता का समर्थन है। वही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं जो जनता के लिए कानून बनाती है, निर्णय लेती है, और उन नीतियों या कानूनों का अनुपालन भी कराती है। तो जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनवाएगी और उनका परिपालन भी करवाएगी। तो जनता ही सब कुछ है, इसीलिए अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा डेमोक्रेसी की जो मैंने शुरू में बताई, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यदि मैं डेमोक्रेसी शब्द की बात करूं अंग्रेजी में, डेमोक्रेसी, डेमो क्रेसी माने शासन, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ये अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं। तो क्रेसी माने शासन। अब शब्द है डेमो, डेमोस का अर्थ होता है सिर। जिस ओर ज्यादा सिर हैं उनका शासन, इसका अर्थ यही हुआ, अर्थात जिस ओर ज्यादा लोग हैं उनका शासन, अर्थात बहुमत का शासन, यही बात यहाँ पे। तो लोकतंत्र जो है वो बहुमत का शासन है। तो डेमोक्रेसी की व्युत्पत्ति भी अब आप समझ गए हैं, और याद रखेंगे कि डेमोस मतलब सिर, जहाँ ज्यादा सिर उनका शासन। मैंने आपको बताया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र चूंकि संभव नहीं है इसलिए ये प्रक्रिया आई। आखिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव क्यों नहीं है ये तो हम समझ गए। अब आपको ये भी समझना है कि चूंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जनार्दन स्वयं मैदान में किसी एक जगह पर एकत्रित होकर निर्णय लेती थी, तो उन्हें अपना प्रतिनिधित्व चुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव जैसी कोई बात नहीं थी, वहां तो निर्णय होते थे बस, चुनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपने आप ही कानून बनाते थे, अपने स्वयं के लिए कानून खुद ही बनाते थे, कोई प्रतिनिधि बीच में नहीं रहता था, इसलिए चुनाव नहीं होता था। यदि हम प्राचीन रोम और यूनान के छोटे छोटे सिटी स्टेट नगर राज्यों में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली प्रचलित थी उसके बारे में बात करें तो उसके कुछ उदाहरण या नमूने आज भी हैं। यानी उस तरह की राजनीतिक व्यवस्था जो यूनान के सिटी स्टेट्स में थी, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था आज भी कुछ शहरों में है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड, वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 3 कैंटन, ग्लारस, अपेंजल और अंडरवॉल्डन, ये 3 कैंटन हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र कुछ हद तक अभी भी जारी है। स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान काल की। स्वयं वैसे छोटा देश है, उसके अंदर 3 कैंटन्स में आज भी ये प्रक्रिया है, और इन कैंटनों के नागरिक अपनी सभाएं करते हैं, और उस सभा को समझ लीजिए एक तरीके से खुली संसद कहा जा सकता है, संसद, खुली संसद। उसके सदस्य कौन रहेंगे?
उस सिटी स्टेट के रहने वाले लोग, उस कैंटन के रहने वाले सभी सदस्य ऑटोमेटिकली उस संसद के सदस्य माने जाएंगे और वे लोग कानून बनाते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यदि हम बात करें, ये तो हुई स्विट्जरलैंड की बात, वर्तमान आधुनिक युग की बात। भारत में भी ऐसा कुछ उदाहरण है? आप थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाएं, ऐसी कौन सी चुनावी प्रक्रिया है हमारे लोकतंत्र में या हमारे शासन तंत्र में जहां पर प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने स्वयं के लिए कानून बनाती है, बजट बनाती है, प्रावधान करती है, कोई प्रतिनिधि नहीं होता? याद करेंगे किस स्तर पर ऐसा होता है, यहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के लिए सब निर्णय लेती है। उदाहरण है गांव। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बढ़िया उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? एक गांव के अंदर जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो उस बैठक की मुनादी पूर्व में ही ग्राम में कर दी जाती है, सबको सूचित कर दिया जाता है कि इस तारीख को इतने बजे इस जगह पर ग्राम सभा की बैठक है, सब आमंत्रित हैं। उस गांव के जो स्थायी निवासी हैं वो सब लोग उसमें आते हैं और फिर वहां पर गांव से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कानून बनते हैं, परंपराएं बनती हैं, विभिन्न प्रावधान किए जाते हैं आदि आदि। तो ग्राम सभा सबसे निम्न स्तर पर भारत में, जो शासन व्यवस्था का सबसे निम्न जो पायदान है जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं, वहां पर आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। यह सभा अपने गांव के विकास के लिए कानून बनाती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और फिर ये प्रतिनिधि नागरिकों की ओर से शासन चलाते हैं। और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया, विशालता, क्षेत्र की विशालता, जनसंख्या की विशालता के कारण बड़े शहरों वर्तमान में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ज़्यादा प्रचलित है। ये संक्षिप्त में इतिहास रहा, ये बस समझाने के लिए कि चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। चुनाव की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की ज़रूरत पड़ रही है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये बात अब आपको, हमको, सबको स्पष्ट हो गई। लोकतंत्र में यदि हम चुनाव के महत्व की बात करें, क्या चुनाव से क्या निकलता है लोकतंत्र में, कितने अहमियत है चुनाव की लोकतंत्र में, तो पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा जनता अपनी रुचि प्रकट करती है। बात सही, जनता अपनी रुचि प्रकट करती है। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा जनता को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तीसरी बात, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व इसलिए है क्योंकि चुनाव के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। चौथी बात, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कानून बनाते हैं, देश चलाते हैं, तो ये कहलाते हैं जनप्रतिनिधि। जनता के ही हिस्सा हैं वे। तो ये चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं लोकतंत्र में। पांचवी बात, ये जो प्रतिनिधि होते हैं जनता की तरफ से, ये लोग कार्यपालिका पर नजर रखते हैं। कार्यपालिका क्या है इसको विस्तार से हम आगे एक कार्यपालिका नाम के अध्याय में समझेंगे, पर फिलहाल हम ये जान लें कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है, सरकार के तीन अंगों में से
ये दूसरा वह अंग है, दूसरा अंग है जिसका कार्य होता है सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, योजनाओं को लागू करना, सरकार के आदेशों को धरातल पर लाना, व्यवहार में लाना, ये इनका काम है। तो ये जो जनता के प्रतिनिधि हैं, ये लोग कार्यपालिका पर नज़र रखते हैं, काम करते हैं, अर्थात जनता के प्रतिनिधि ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए योजनाएं, कानून आदि का सही आदि को लागू किया जा रहा है और सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है। पर चूंकि जनता हर जगह ऐसा स्वयं पैनी नज़र नहीं रख सकती, वह यह कार्य प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है और प्रतिनिधियों का चुनाव इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगला कारण क्यों चुनाव महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, वह है कि ये तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी अच्छाई है कि मतदाताओं के हाथ में पूरी शक्ति होती है, यानी मतदाता सर्वे सर्वा, मतदाता सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, इतनी शक्तिशाली कि या मतदाता या जनता इतनी शक्तिशाली कि वो सरकार बदल देती है। 1914 में कांग्रेस सरकार का शासन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, 10 वर्ष से वो प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस का बोलबाला था। किन्हीं कारणों से जनता नाराज थी कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के शासन से। उस नाराजगी के परिणाम स्वरूप जनता ने जब उसको मत देने का मौका मिला, मतदान करने का मौका मिला, अपनी रुचि, अपना झुकाव और रुझान बताने का मौका मिला 1914 के चुनाव में, तो उसने इस मौके को ऐसा भुनाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार पराजित ही नहीं हुई बल्कि बुरी तरह पराजित हुई और जनता ने एक बिल्कुल नए दल की सरकार को सत्ता पे काबिज किया। मायने क्या कि लोकतंत्र में जनता के हाथ में शक्ति, जनता सर्वोपरि, इतनी मजबूत, जनता इतनी अहम, जनता इतनी महत्वपूर्ण कि वो सरकारों को बदल देती है। ये और किसी तंत्र में संभव नहीं है और कोई राजनीतिक व्यवस्था में संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में ये चुनाव की प्रक्रिया जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है, वो इतनी, उसका महत्व इतना ज़्यादा है लोकतंत्र में कि जनता की शक्ति जो है वो चुनाव की प्रक्रिया से दिखती है। चुनाव ही वह जरिया है जिससे जनता अपनी ताकत, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वास्तव में जो सत्ता की चाबी है लोकतंत्र में जनता के पास रहती है, जनता के मत। और जनता की जब बात करते हैं तो चाहे वो निर्धन हो, दरिद्र नारायण हो, विकलांग हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, जैसा भी हो, यदि वह 18 साल से ऊपर है उसकी आयु और अपराधी आदि न हो, बल्कि उसके बावजूद भी 18 साल से ज़्यादा इसकी आयु है, तो उसके हाथ में वो ताकत है कि मत के द्वारा वह अपनी भावना, अपनी रुचि को व्यक्त कर सकता है और ऐसा करते हुए वह सरकार बदलने का भी मादा रखता है। अगली बात जो ये साबित करती है कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है चुनाव ही वह जरिया है जिससे राजनीतिक चेतना बढ़ती है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है। राजनीतिक चेतना से तात्पर्य है पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक समझ। ये जो राजनीतिक समझ
तभी होती है, तभी जनता में आती है जब चुनाव होते हैं। चुनाव के समय जो लोग प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जनता का प्रतिनिधि, वे लोग जनता के पास जाकर अपनी राजनीतिक समझ, अपनी राजनीतिक झुकाव, अपने राजनीतिक विचारों से जनता को अवगत कराते हैं। और ऐसा कराते हुए वे जनता में क्या करते हैं, जागरूकता लाते हैं, चेतना लाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं। तो चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में कि वह राजनीतिक चेतना को बढ़ाता है, राष्ट्र के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका रहती है। अगला बिंदु महत्ता को साबित करने वाला चुनाव का, वह है सोशल मीडिया, जो वर्तमान में पिछले 15 वर्षों में आप देख लिए हैं कि सोशल मीडिया, आप जानते होंगे, समझते होंगे कि सोशल मीडिया कितनी शक्तिशाली व्यवस्था है अपनी बात को करोड़ों तक पहुंचाने की। कर्नाटक के एक गांव में कोई सी छोटी घटना हुई नहीं, यदि वह एक महत्वपूर्ण घटना है तो एक घंटे के अंदर पूरे देश के कोने कोने में उस घटना का वीडियो पहुंच जाता है। उस घटना की जानकारी तो पहुंचती ही है, यदि उस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है तो उसका विजुअल पूरे देश में और पूरे विश्व में इच्छुक लोगों के पास वो वीडियो पहुंच जाता है मात्र एक घंटे में। यह है सोशल मीडिया की ताकत, चाहे उसमें व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो और भी जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं। मायने ये कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने विचार करोड़ों तक पहुंचा सकते हैं, घटनाएं ही नहीं अपने विचार भी। यदि मेरे करोड़ों फॉलोअर्स हैं तो मैं कोई सा भी विचार पोस्ट करूंगा, ये विचार तुरंत मेरे करोड़ों फॉलोअर्स के पास पहुंच जाएगी, मेरी फीलिंग्स उनके पास पहुंच जाएगी, और जो चुनाव की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सोशल मीडिया की वजह से हर किसी की आवाज़ अब करोड़ों तक पहुंच सकती है, और इसीलिए चुनाव का महत्व है। चुनाव का जरिया जनता को ये सुविधा देता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो विचार किसी लोगों के पहुंचे हैं उन विचारों पर भी जनता विचार करके निर्णय ले कि वह किसे प्रतिनिधि बनाए अपना, किसे प्रतिनिधि ना बनाए आदि आदि, किन विचारों को वह तवज्जो दे, किन विचारों को वह उचित स्थान दे आदि आदि। और इसीलिए इन सब कारणों से जिनका मैंने जिक्र किया चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं और लोकतंत्र में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चुनाव और लोकतंत्र के बीच का प्रगाढ़ संबंध हमने समझा।